नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। विश्व के तीन पंचमुखी शिवलिंगों में से संबलहेड़ा जो जानसठ में नहर के किनारे मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, उस पंचमुखी शिवलिंग के बारे में जब मुझे जानकारी मिली और भगवान ने मुझे उस मंदिर की जानकारी शिव भक्तों के मन तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा दी, तो मैंने प्रचार प्रसार के माध्यम से, मैंने मीडिया के माध्यम से, मैंने पत्र लिख के, मैंने सोशल मीडिया अपना के ये कोशिश करी कि विश्व का तीसरा पंचमुखी शिवलिंग जन जन तक पूजा का माध्यम बने। ये एक ऐसा शिवलिंग है जहां हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जहां विश्व के तीसरे पंचमुखी शिवलिंग की पूजा इसलिए करते हैं कि भारत की जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति और धन शक्ति विश्व महाशक्ति बन सके, अर्थात भारत पुनः विश्व गुरु बन सके। ये संबलहेड़ा का पंचमुखी शिवलिंग बनाने वाले विद्वान लोगों ने इस पंचमुखी शिवलिंग को कसौटी के पत्थर से बनाया है, अर्थात जो सोने को सिद्ध करता है कि सोना असली है या नकली है। सोने के बारे में शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोगों का एक ही कहना है कि वो हर व्यक्ति सोना है, जिसके विचार शुद्ध है, जिसके आचार शुद्ध है, जिसका पहनाव शुद्ध है, जो व्यक्ति देश को समर्पित हो, जो धर्म को समर्पित हो, वही व्यक्ति सोना है। ठीक उसी तरीके से जो इस बियाबान जंगल में लगभग 40 बीघा जमीन में ये शिवलिंग बना हुआ है और यहां लगभग 12 महीने आने वाले शिव भक्तों की बड़ी संख्या रहती है। पंडित जी 24 घंटे यहां उपलब्ध होते हैं, लेकिन मंदिर को खोलने की व्यवस्था, पूजा पाठ की व्यवस्था प्रातः काल से शुरू होकर रात्रि तक लगातार जारी रहती है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यहां पे सारी चीजें उपलब्ध हैं और पंडित जी अपनी तरफ से सारी पूजा सामग्री की व्यवस्था करके तैयार रखते हैं। केवल भक्त को तो आके पूजा करनी होती है और ये माना गया है कि जो भी व्यक्ति वहां गए हैं उनके मन में अपूर्व शांति आती है, उनका कारोबार बढ़ता है, उनकी विचारधारा प्रलब्ध होती है और उनके जीवन में स्वतः ही चार चांद लगने लगते हैं, अर्थात चौमुखी विकास होने लगता है, क्योंकि ये वह स्थान है जो गंगा से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे है, अर्थात गंगा के नजदीक है। और जिन लोगों ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया है वे संबलहेड़ा के राज परिवार के लोग थे, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में, जिन्होंने भारतीय राजतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अंग्रेजों को यहां से भगाया, मुगलों को के शासन को यहां से समाप्त कराया और इस हिंदुत्व के पंचमुखी शिवलिंग को पूरे विश्व में पहचान बनाने के लिए स्थापित करते हुए हम सब लोगों को सेवा का मौका दिया। इस शिवलिंग की श्रावण मास में और भी महत्ता बढ़ जाती है जब लाखों की संख्या में भक्त जन यहां पे आते हैं, अपनी बात को शंकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत करके चले जाते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे लोग पुणे आते हैं। ये शिवलिंग दिल्ली से
देहरादून के बीच मुजफ्फरनगर से बिजनौर रोड पर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव में स्थित है, बियाबान जंगल में स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए दिन रात में पक्के रास्ते हैं। मंदिर में ठहरने की व्यवस्था है, मंदिर में स्नान आदि की मजबूत व्यवस्था है। समय समय पे भक्तगण यहाँ पे भंडारे भी लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शिवलिंग पे 2400 घंटे भगवान शंकर के दूत कबूतर रहते हैं, जिनके प्राय आप दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हर आने वाले और हर इस वीडियो को देखने वाले भक्त के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत माँ, जय शंकर भगवान, जय ओम नमः शिवाय। नमो नमो।